हेलो दोस्तों वेलकम टू टोपर्स विलेज दोस्तों आज मैं आपको लाइव एक ओमार शीट फिल करके बताऊंगा और दोस्तों एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे मैंने अभी तक जब भी अप्लाई किया है उसको ओमार शीट फिल करते टाइम तो कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई मतलब एकदम हंड्रेड परसेंट काम करती है जैसा कि मैंने अप्लाई किया अपने अभी तक के जो करियर है उसके अंदर तो आज मैं आपको वो हेल्प देने वाला हूँ और अगर फिर भी मिस्टेक हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए क्या आपको ब्लेड इस्तेमाल करनी चाहिए क्या आपको व्हाइटनर इस्तेमाल करना चाहिए अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपकी जो साल भर की मेहनत है ना उस पर पानी ना फिरे तो इसके लिए मैंने देखो क्या किया है यहाँ पर कुछ आ, डेमो तैयार कर लिया कि एडमिट कार्ड है उसके अंदर मान लो मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे मान लो उनके आंसर्स ऐसे आ रहे हैं ठीक है तो उनको मैं फिल करके बताऊंगा ये बस एक डेमो है आप इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा जो नाम है वो राजकुमार है या फिर मेरा मोबाइल नंबर ये है बस एक डेमो है मेरी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक है मोबाइल नंबर आप नोटिस करोगे तो ऐसे उल्टे हैं नौ से लेके जो जीरो तक है ना मैंने ऐसे उल्टी गिनती लिखी है तो ऐसा नहीं कि आप इस पर कॉल लगाने लग जाओ तो ये एक डेमो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं आज आपको फिल करके बताऊँगा लाइव तो बस शुरू करते हैं दोस्तों एक और चीज़ अगर आप ऐसे किसी भी अपने फ्रेंड को या फिर भाई बहनों में से या फिर किसी स्टूडेंट को जानते हो जिसको अपनी जो एग्ज़ाम है वो ओम आर शीट के अंदर देनी है तो प्लीज़ उसके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी जो साल भर की मेहनत है उस पर पानी ना फिरे और ऐसे ही मैं गाइडेंस वीडियो के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ें जान लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमेशा आपको जब भी आप कोई नया पेपर देने जाओ एग्जाम देने जाओ तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना सबसे पहला पॉइंट क्या है ऑलवेज रीड इंस्ट्रक्शंस हमेशा आपने जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पेपर से पहले जब आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा पाँच मिनट का दस मिनट का पंद्रह मिनट का उसमें जो पेपर से आगे की तरफ जो पहला पेज होता है ना उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं मतलब किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं क्या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे आई टी की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो करेक्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कितने क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से पढ़ लिया करो दूसरी चीज़ कौन सा पेन अपने लिए करेक्ट है है ना कौन सा पेन अपने लिए करेक्ट है वो चीज़ भी आपको कहाँ से पता चलेगी वो आपको इंस्ट्रक्शन से पता चलेगी देखो जनरली ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन इनके लिए हमें अलाउ किया जाता है जो जेल पेन होता है ये आप कभी भी इन इसको, इसको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पता है जेल पेन पर पानी गिर गिरेगा तो फिर वो फेड हो जाएगा वैसे मतलब फेल सा जाएगा पेंसिल पहले इस्तेमाल करने के लिए बोलते थे आप अपनी इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेना कहीं आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर पेंसिल तो अलाउड नहीं है तो फिर पेन अलाउड नहीं होंगे और कई बार अलग अलग कलर के पेन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मैं देखो ऐसे कर लिया कि हमने इंफॉर्मेशन दो भर दी ब्लैक पेन से और फिर आंसर भर रहे हैं ब्लू पेन से ऐसा नहीं करना अगर क्वेश्चन में बोला जाता है ब्लू पेन तो पूरी जो ओम आर शीट है उसके अंदर ब्लू पेन ही आपको इस्तेमाल करना है मैं आज आपको ब्लू पेन से भर के बताऊंगा अगर ब्लैक बॉल पेन बोला जाता है तो फिर ब्लैक बॉल पेन ही इस आपको इस्तेमाल करना है जेल पेन कभी मत करना पेंसिल के लिए अगर बोला जाए तभी करना दोस्तों अगली चीज़ आपको इस ओम शीट पर कुछ भी नहीं लिखना है बबल्स भरने के अलावा ऐसा नहीं कि आप जैसे यहाँ पर साइड में यहाँ पे कुछ जैसे ये ओम शीट है ना अपने पास में ये मैंने एक डेमो ओम शीट रखी है तो ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे साइड में आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो कि टू इन टू फाइव इक्वल टू टेन ऐसा कुछ लिख रहे हो ये जो चीज़ें अगर आप लिखते हो तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत है ठीक है ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आप ऐसे पेन चला के देख रहे हो कि भाई ऐसे पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा नहीं यहाँ पे नहीं करना आपको ये है ना ये दिस इज़ रॉन्ग क्यों क्योंकि देखो ये जो आपको साइड में ऐसे जो लाइनिंग दिखाई दे रही ना ये बाहर दिखाई दे रहे हैं ये मशीन के लिए होते हैं मशीन इनको डिटेक्ट करके पता करती है कि हाँ भाई ओम आर शीट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है ठीक है अगर आप इसको मिस्टेक मतलब इसमें आप अगर आप कुछ इंटरफेयर कर रहे हो तो फिर जो मशीन है वो फिर आपके मार्क्स में इंटरफेयर कर जाएगी वो मतलब बहुत गड़बड़ हो जाएगा आपकी जो साल भर की मेहनत है ना वो बेकार हो जाएगी यहाँ के अलावा कहीं अगर आपके पास रफ स्पेस है वहाँ पे आप चेक कर लो वहाँ पे कैलकुलेशन कर लो दोस्तों अगली चीज़ ये जो ओमार शीट होती है उसको हमें फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए ठीक है और उसको गंदा भी नहीं करना चाहिए डोंट फोल्ड एंड डोंट मेक डस्ट ऑन इट तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इसको ऐसे मोड़ लेते हो है ना ऐसा अगर आप इसको ऐसे करोगे इसको ऐसे मोड़ लिया या फिर गलती से मुड़ गया तो ये चीज़ गलत है उसमें क्या हो सकता है कि मान लो आपने कोई बबल फिल किया और वहीं से मुड़ गया तो फिर जो मशीन है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी सब कुछ ये सारी इंस्ट्रक्शन इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपके जो मार्क्स है आपकी जो, जो मेहनत है ना उस वो बेकार ना जाए इसको ओमार शीट को चेक करने वाला कोई इंसान नहीं है इंसान होता तो वो कर लेता लेकिन मशीन है इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फिर अगली है फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपके एडमिट कार्ड से तो जैसा भी आपका एडमिट कार्ड है जैसे मैंने तो ये डेमो एडमिट कार्ड तैयार किया तो मैं यही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल करूंगा और फिल करते टाइम मैं इस एडमिट कार्ड को देखता रहूंगा ठीक है तो अगली चीज़ क्या है डोंट प्रेस टू मच मतलब हाँ इसको तो मैं फ़िल करते टाइम बताऊंगा कि अगर आप कोई बबल फिल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप उस सुबह जोर लगा लगा के लगा लगा के मतलब इधर छेदी कर दिया ना इतना जोर नहीं लगाना चाहिए मैं तो इसको बहुत ज़्यादा हमें दबाना नहीं चाहिए बबल फिल करते टाइम फिर अगली चीज़ है नोट टू बबल्स जब हम एक आंसर का एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं जैसे समझो कि यह है नंबर जब मैं इसका आंसर करूंगा तो जनरली क्या होता है इसका एक ही आंसर करेक्ट होता है लेकिन कुछ पेपर्स होते हैं जैसे आईआईटी जेई का जो पेपर होता है उसमें एडवांस वाला पेपर उसमें क्या होता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं तब उस केस में आप एक से ज़्यादा बबल फिल कर सकते हो अब वही चीज़ कहाँ से आपको पता चलेगी जब आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ोगे तब ठीक है जनरली क्या होता है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक ही बबल फिल किया जाता है दो बबल्स उसके अंदर नहीं होते फिर भी आप एक बार अपने इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना हो सकता है उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो अगला चीज़ क्या है डोंट यूज़ इरेजर ब्लेड वाइटनर इरेजर अगर पेंसिल इस्तेमाल करने के लिए बोलिए कि अगर पेंसिल से ही आपको भरना है तब इरेजर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन वो भी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में ठीक है और वो भी एकदम लाइटली यूज़ करना है ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पेंसिल से कुछ भरा है और फिर ऐसा रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के ये जो थ्री है इसको भी मिटा दिया वो पेंसिल है वो भी वो उसका लिखा था वो भी मिट गया ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लेड और वाइटनर ये तो आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है ठीक है ब्लेड और वाइटनर खुद से कुछ कलाकारी मत कर देना जो भी कलाकारी करनी है वो एक बार इन्विजिलेटर को पूछ लेना ठीक है तो अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो भर के बताऊंगा और अब मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक जो कि मैंने इस्तेमाल की है और हमेशा उससे हमेशा क्या हुआ है मुझे सही रिजल्ट मिला एकदम सटीक हंड्रेड जो मैंने लिखा है वही मशीन ने डिटेक्ट किया है तो देखो सबसे पहले समझो कि ये मेरा एडमिट कार्ड है इसमें मेरा नाम है राजकुमार ठीक है ये मेरा एक्चुअल नाम नहीं है बस ये फोर डेमो है तो एक मैंने कॉमन सा नेम ले लिया राजकुमार अब इसको मेरे को फिल करना है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है स्टूडेंट्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स ब्लॉक मतलब कैपिटल है ना कैपिटल मतलब बड़ी एबीसीडी में हमें इसको लिखना है क्या नाम है राजकुमार तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं आर सबसे पहले वाले में आर फिर ए फिर जे कैपिटल जे ये पूरी कैपिटल एबीसीडी में लिखनी है ठीक है ये राज लिख दिया अब देखो राज और कुमार के बीच में स्पेस है ना तो आपको यहाँ पर भी एक जो ब्लॉक है वो छोड़ना है ना एक का जो डिब्बा है वो छोड़ देना है फिर क्या लिखना है कुमार वो भी बड़ी एबीसीडी में तो एक छोड़ दो यहाँ पे क्या आ जाएगा के यू एम ए आर ठीक है तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली हैंड राइटिंग खुद से हाथ से लिखोगे तो आपकी जैसे भी हैंड राइटिंग हो चल जाएगी फिर भी कैपिटल लेटर में आप जब लिखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा जनरली जो इंग्लिश में हैंड राइटिंग है वो कब समझ में नहीं आती जब हम स्मॉल लेटर मतलब छोटी अब सी में लिखते हैं तब लेकिन कैपिटल में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा अब देखो क्या करना है सबसे पहले आपको ये पूरा नाम लिखना है जितना भी आप जितना भी बड़ा आपका नाम है वो सारा लिखना है अब यहाँ पर देखो क्या करना सबसे पहले ये आर है ना अब समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आर के नीचे आप सबसे पहले नीचे की तरफ आओगे तो आर आपको यहाँ पे मिलेगा आपको हर एक डिब्बे के नीचे पूरी एबीसीडी लिखी हुई मिलेगी तो ये जो आर है आर यहाँ पर है अब ऐसे नहीं कि आप इसको पूरा फिल कर दो ठीक है अगर आप पूरा फिल कर दोगे तब आपको यहाँ पहले वाले खाने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन आगे जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होच पौस होती है ना तब दिक्कत होती है तब आपको यही तरीका काम में लेना है तो स्टार्टिंग से यही तरीका लगाओ तरीका क्या है आपको सबसे पहले इसको पूरे को फिल नहीं करना है ठीक है आपको क्या करना है इस पर एक छोटा सा डोट लगा दो छोटा सा डोट कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको ऐसे सर्कल बना देते पूरा लेकिन उसमें क्या आता है कि हम थोड़ा सा ज्यादा लिख लेते हैं लेकिन अगर आप एक छोटा सा डोट लगाओगे वो आपको ही दिखेगा मशीन उसको डिटेक्ट नहीं करेगी ठीक है आपको एक बार मैं दिखाता हूँ देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ना ये ये छोटा सा डोट है ठीक है मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो ये जो डॉट है ना वो आपको ही दिखाई देगा और इसके बाद में आप फटाफट इस गोले को फिल कर सकते हो गोले को कैसे फिल करना है किस स्टाइल में फिल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब उसके बाद में क्या करो यहाँ पर देखो अगला क्या है ए है यहाँ पर तो अब एक के आगे ऐसा छोटा सा डोट लगा लिया या एक, एक के गोले के अंदर कहीं पे डोट लगा लो छोटा सा जे है तो जे वाला यहाँ पर तो एक छोटा सा मैंने डोट लगा लिया फिर के है तो के के अच्छा बीच में स्पेस है अब जनरली दिक्कत यही होती है ये जो बीच वाला है ना बीच वाला इसमें दिक्कत हो जाती है मान लो कि आपने गलती से जो आगे वाला जो के है ना के वो इसमें ना फिल करके आपने यहाँ पे डोट लगा लिया ठीक है देखो मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे बीच में स्पेस था लेकिन आपने क्या किया ये आगे वाला जो के है ना वो यहाँ वाला के फिल ना करके आपने इधर वाले पे डोट लगा लिया लेकिन इससे ना दिक्कत नहीं हुई इससे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी आप अभी की अभी भी अपनी गलती सुधार सकते हो ठीक है तो ये जो के है उसी के नीचे आपको के बस इसको मार्क करना है ऐसा छोटा सा ठीक है अब इसका बस ध्यान रखना अब आप मिस्टेक करोगे तो ऑब्वियसली वो जो मिस्टेक है वो दिमाग में रहेगी थोड़ी देर के लिए फिर बाद में क्या है यू है तो यू वाला कहाँ पर है अभी देखना ये इसलिए देखो यहाँ पे दो कलर दे रखे हैं एक तो रेड थोड़ा सा डार्क है एक थोड़ा सा वाइट है तो देखो यू यू कौन सी वाली पट्टी पर है यू एकदम वाइट वाली पट्टी पर तो यू इधर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ये रहा यू तो इसको हमने मार्क कर दिया इसे ठीक है और उसके बाद में क्या एम तो एम कहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आ गया एम फिर बाद में ए ये वाइट वाली पट्टी पर है तो ए अपना ऊपर ही है फिर आर आर कहाँ पर है आर अपना यहाँ पर आ गया ठीक है अब पेंसिल इस्तेमाल करने के नहीं बोला है लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं पहले इनको थोड़ा थोड़ा पेंसिल से मार्क कर लेते हैं फिर बाद में पेन कर लेते हैं लेकिन वैसे कर सकते हो लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप इंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हो तो फिर देखो दिक्कत हो सकती हो सकता है आप उसको बाद में पेंसिल से ही भर दो आपको भूल जाओ आप है ना तो पेन से बोला तो फिर पेन ही इस्तेमाल करो आप अब एक काम कर लेते हैं अब हमने हमने मार्क कर दिया छोटा छोटा अब इसको फटाफट फिल कर लेते हैं अब स्पीड भी बढ़ जाएगी ये आर हमने यहाँ पर मार्क किया अब फिल करते टाइम देखो क्या करना आप यहाँ से सर्कम से चालू करना और अंदर की तरफ आना मतलब परिधि से स्टार्ट करना और अंदर की तरफ आना पर ए बोला है ए तो इसको बाहर से चालू करना और अंदर की तरफ आना ठीक है फिर जे है तो जे में बाहर से चालू करना और अंदर की तरफ आना उससे क्या होता है अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे ना तो कई बार हम गोले से बाहर निकल जाते हैं है ना तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फिर क्या बोला ये ये स्पेस है अब गलती है, अगर आपने की है तो फिर इस टाइम करेक्ट कर लेना जब आप इसको दोबारा जब पूरा अच्छे से फिल करने वाले हो देखो इस प्रोसेस में आप दो बार अटैम्प्ट कर रहे हो है ना तो गलती होगी नहीं अगर आप गलती हुई है तो फिर वो करेक्ट भी हो जाएगी दो बार में लेकिन अगर आप पहली बार ऐसे पूरा फिल कर दोगे तो जब गलती होगी तो फिर वो हो ही जाएगी ना परमानेट परमानेंट गलती हो जाएगी फिर वो फिर यहाँ पर ये स्पेस छोड़ दिया अब ये जो के है के के नीचे आ गए और इसको ऐसे फिल कर दिया हमने पूरा का पूरा फिर यू के नीचे ये वाला फिल कर दिया और इसको अच्छे से फिल करना ऐसे नहीं आप थो, थोड़ा सा छोड़ दो जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं बस ये एच है ना एच तो इसको ऐसे फ़िल कर दिया ऐसे है ना ऐसे इतना सा कर दिया पूरा गोले को फिल नहीं किया तो ये ये गलत हो जाएगा ऐसे ये इधर डेमो बता रहा हूँ तो आप ऐसे मत करना कि आप वहाँ पर ऐसे कुछ करने लग जाओ और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे गोला भरते भरते ऐसे बाहर चले जाते हैं बाहर मत जाना अगर आप इस वाले एल को ऐसे गोला मतलब यहाँ पे बबल फिल कर रहे हो डार्क कर रहे हो तो अगर आप बहुत बाहर चले गए तो फिर हो सकता है मशीन इस पास वाले को भी डार्क समझ ले तो गलती हो जाएगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जो परिधि है ना परिधि दी सरकमफेरेंस उससे अंदर की तरफ सेंटर की तरफ आया करो ना कि सेंटर से बाहर की तरफ ऐसा मैंने मैं करता हूँ तो इसमें तो मेरे को मतलब कभी भी दिक्कत नहीं हुई अगर आप अंदर से बाहर भी जाते हो फिर भी दिक्कत नहीं होती तो वो तरीका भी ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से अंदर की तरफ आओ ऐसे हो गया यहाँ पर फिर ये ए हो गया ऐसे हो गया फिर आर आर कहाँ है आर ये रहा ये फिल कर दिया ठीक है तो ऐसे अपना ये जो नाम है वो कंप्लीट हो गया अब उसके बाद में रोल नंबर तो रोल नंबर अपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो रोल नंबर क्या है एक से लेकर आठ तक मैंने गिनती लिख रखी है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो वन पर इसको डोट लगा दिया टू पर ये डोट लगा दिया थ्री पर ये डोट लगा दिया फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया अब इसको फिल कर देंगे या फिर आप ऐसे कर सकते हो पहले इन्फॉमेशन पूरी रख दो यहाँ पे सेंटर कोड क्या है मेरे अकॉर्डिंग जो सेंटर कोड है वो मैंने रखा है सेंटर कोड वन टू थ्री फोर जो कैटेगरी है वो जनरल रखी है और जो मोबाइल नंबर है वो नौ से लेके जीरो तक उल्टी गिनती लिखी है मैंने तो आप इन्फॉर्मेशन पहले फिल कर दो वो भी ठीक है वन टू थ्री फोर कैटेगरी यहाँ पर है जनरल तो इस पर ऐसा लगा दूंगा ठीक है और वन टू थ्री फोर मैं वन टू थ्री फोर इनको बस ऐसे डॉट बनाऊंगा अभी ठीक है ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं बबल को भी कंसिडर करता हुआ चल रहा हूँ मोबाइल नंबर नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो तो नाइन का क्या जाएगा यहाँ पे नाइन फिर एट फिर सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और जो जीरो है वो जीरो यहाँ पे नीचे की तरफ है तो आप अपने हिसाब से देख लेना जीरो कहाँ पर है ठीक है तो ये हुआ अब इस इंफॉर्मेशन को मैं डार्क कर देता हूँ और अब देखो इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मेरे को पता है कि यार ये यह यह यहाँ पे छोटा सा डोट लगा हुआ तो बस इस इसी को फिल करूँगा मैं तो दोस्तों हमने ऐसे ही इन्फॉर्मेशन फ़िल कर ली अब आपको क्या नहीं करना चाहिए एक तो इतना अधूरा सा नहीं भरना चाहिए एक इतना बड़ा अगर आप बना दे तो ये इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए दूसरी चीज़ मैंने एक पॉइंट बोला था कि आप बहुत फोर्स करके मत बनाना जैसे ये जो ओ है अगर आप इस वजह से जोर जो लगा लगा के लगा लगा के लगा, लगा, के, लगा ऐसे कर दोगे ना तो फिर क्या होगा ये पीछे की तरफ है ना पीछे की तरफ पीछे की तरफ बाहर आ जाएगा या फिर हो सकता है पेज फट भी जाए इतना जोर भी हमें नहीं लगाना चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन फ़िल होने के बाद में अब हम आते हैं अपने जो जो पेपर है ना चलो पेपर सोल्व करके देखते हैं तो समझो कि ये अपना डेमो पेपर है अब ये पेज वन है ये पहला पेज है जो अपना पेपर है उसका ये पहला पेज हो गया और पहले पेज पे पांच क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर फाइव और आपने उसको सोल्व कर लिया अभी आप ये ये जो है ना ये जो मैंने ऐसे डेमो आंसर्स लिखे हैं ये अभी इधर की तरफ हम नहीं आए तो पेज वन में अपना पहले का आंसर आ ए आया दूसरा सोल्व किया नहीं मतलब आंसर नहीं आया तीसरे का सी आ गया चौथे का डी आ गया और पाँचवें में फिर हम अपना आंसर नहीं आया तो जैसे ही आप एक पेज कंप्लीट करो यहाँ पर आप अपनी ओ एम आर फिल कर लो फिल करने का मतलब आप डोट लगा दो ठीक है ओनली डोट लगाना तो पहले में ए फिर तीसरे में सी तो ए सी डी ऐसे भरना आपको तो ए अच्छा ए सी डी तो मैंने इसमें बोला यहाँ पर तो वन टू थ्री फोर लिखा हुआ है तो ए मतलब पहला सी मतलब तीसरा लेकिन वो तीसरे ऑप्शन में सी है तीसरे क्वेश्चन में सी मतलब ये आ गया फिर चौथे में डी है तो ये ऐसे आ गया ठीक है अब इसमें मान लो गलती से गलती से अगर आप ये जो सी है वो दूसरे वाले में फिल कर दो ये जो तीन तीसरा ऑप्शन है वो अगर आप इसमें फ़िल कर दोगे लेकिन आप क्या करोगे आप अगर आप इस ट्रिक के तहत करोगे तो आप पहले तो इसको पूरा तो फिल करोगे नहीं आप तो एक छोटा सा डोट लगाओगे तो डोट की जो गलती है वो तो हम सुधार सकते हैं डोट बस इतना सा होना चाहिए जो कि ओनली आपको ही दिखाई दे ठीक है इतना छोटा सा डोट होना चाहिए इतना छोटा सा तो अब क्या करेंगे ऐसे ऐसे हमने मार्क कर लिया अब उसके बाद में पाँचवा क्वेश्चन हमें नहीं आया फिर छठे सातवें और आठवां नहीं आए फिर नब्बे में इनमें क्या है टू मतलब सेकंड सेकेंड और ये ए है ना बी बी ए मतलब दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन और ये फिर ए है मतलब पहला ऑप्शन है तो सिक्स में क्या है सिक्स में है इसको इधर लिख लेता हूँ मैं इधर रख लेता हूँ सिक्स में है दूसरा ऑप्शन तो सिक्स में ये लग जाएगा फिर सेवन में बी है तो ये लग जाएगा फिर आठवां हमने छोड़ दिया तो वो खाली छोड़ देंगे फिर नब्बे में ए है तो नब्बे में एक लग जाएगा फिर ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपने ओम आर फिल कर दी है ना मतलब ऐसा डोट लगा दिया ओ एम में भी क्या लगाना आपको ओनली एक छोटा सा पॉइंट लगाना है फिर उसके बाद में क्या है ये यहाँ पर आते हैं एक छोटा सा पॉइंट होना चाहिए मैं फिर से बोल रहा हूँ एक छोटा सा मतलब वो आपको ही दिखाई दे और किसी को दिखाई ना दे पेज थ्री अब आपने इसको सोल्व कर लिया तो आंसर आ गया दसवें ग्यारहवें बारहवें ते, तेरहवें का आंसर नहीं आया और चौथवें का आंसर आ गया तो क्या है सी डी ए तो ऐसे है तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन पहला और पहला तो दसवें में क्या है सी तो दसवें में सी मतलब तीसरा ऑप्शन फिर डी तो ये बन जाएगा फिर बारहवें में क्या है ए है तो ये पहला ऑप्शन ये बन जाएगा और फिर तेरहवा खाली हो गया और चौदहवें में ए है तो ये यहाँ पर ऐसा बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ये ये वाला हमने दूसरे में जब गलती की थी हमने दूसरे में तो अपना आंसर ही नहीं आया लेकिन हमने तीसरे वाला आंसर दूसरे में भर दिया तब आपको उसका ध्यान रखना है इसको फिल नहीं करना है तो अब जैसे मान लो कि एक ये इतना हो गया अगर ठीक है आप चाहो तो और भी ज़्यादा भर सकते हो कई बार क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन करो फिर इसको भर करो फिर एक क्वेश्चन करो फिर इसको भर रहे हो फिर एक क्वेश्चन करो इसको भर रहे हो उसमें क्या होगा कि टाइम बहुत वेस्ट होता है ठीक है ये इतना सा क्वेश्चन पेपर तो होता नहीं क्वेश्चन पेपर तो बहुत बड़ा होता है तो फिर ओम आर शीट को आप अच्छा एक और चीज़ जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करो ना तो फिर ओमार शीट को दूर रख देना ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर तो है इसके ऊपर और आप इसके सोल्व कर रहे हो हो सकता है भी आप सोल्व करते करते कोई ऐसे ऐसे मतलब ऐसे चला जाए है ना तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी ना ये गलत है आप साइड में नहीं कर सकते आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो अपनी जो ओम आर शीट है उसको दूर रख देना ठीक है पेपर सोल्व कर लो फिर अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो हमने इतने सारे क्वेश्चन फ़िल किए हैं एक से लेके ये छत्तीस तक यहाँ पर थर्टी सिक्स तक तो अगर आपने इतना फ़िल कर लिया ना तो फिर आप एक साथ इनको ब्लैक कर सकते हो मतलब डार्क कर सकते हो तो ऐसे कर दिया हमने सभी के सभी ये बबल्स फिल अब जिसमें आपको डोट लगा हुआ नहीं मिलेगा ना वो ऑटोमेटिकली आप उस उस जगह पे आप फिल नहीं करोगे ठीक है तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कर लिया करो कई बार एक बच्चों की कॉमन मिस्टेक ये होती है वो क्या करते हैं जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन में ये तीसरे वाले का आंसर डाल देते हैं फिर क्या होता है कि सारे के सारे जो आंसर होते हैं ना वो एक एक कदम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं ये ऊपर आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तभी मैं कह रहा हूँ जैसे आप एक पेज सोल्व करो एक पेज सोल्व करो है ना क्वेश्चन पेपर का एक पहला पेज सोल्व कर लिया उसको ओम आर पे फिल कर दिया यहाँ पे ओम आर फिल कर दी फिर दूसरा पेज सोल्व किया उसको ओम आर पे फिल कर दिया ठीक है ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में कर लिया करो कई बार क्या करते हैं बच्चे पूरा पेपर सोल्व कर लेते फिर बेट, हैं फिर बैठ बैठते हैं लास्ट में कि अब मैं पूरी ओम आर फिल करूंगा उसमें दिक्कत हो जाती है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि अब एक साथ आप सब कुछ सोल्व करोगे यहाँ पे छापने की कोशिश करोगे ना तब फिर ज़्यादा दिक्कत होती है उसके बजाय आप टुकड़ों टुकड़ों में डोट लगा लो और फिर जैसे आपको लगे कि यार बहुत सारे डोट लग गए फिर उनको डार्क कर दो तो आई होप ये ट्रिक आपको मदद करेगी अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिर भी अगर फिर भी आपको इसमें मिस्टेक हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए तो मैंने जैसा कि बोला आपको कि आपको ब्लेड और वाइटनर ये तो इस्तेमाल करने ही नहीं है इरेजर भी इस्तेमाल मत करना ठीक है अगर पेंसिल आए तब आप बहुत सॉफ्टली इरेजर इस्तेमाल कर सकते हो वो भी इन्विजिलेटर से पूछ के या फिर अपने जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ के लेकिन अगर फिर भी आपको मिस्टेक हो जाए जैसे आप एक में जैसे एक में ही आप दो दो ऐसे फिल कर दो जैसे ये यह यहाँ फिल कर दिया यहाँ फिल कर दिया जैसे यहाँ पे कोई कोई नाम है आपका समझो कि ओ है लेकिन आपने क्या किया ओ को भी फिल कर दिया पी को भी फिल कर दिया तो ये ये मिस्टेक हो गई तब उस केस में आप क्या करना अपना जो इन्विजिलेटर है उनको बोलना ठीक है शर्माना मत बस बोल देना कि सर ये अपने ये दिक्कत हो गई है क्योंकि उनकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पर भी एक प्रेशर होता है कि उनके रूप में से मिस्टेक्स ज़्यादा ना आए ठीक है तो उस केस में आप क्या करना उनको बोल देना तब वो हो सके उनको अगर पॉसिबल है आप उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते लेकिन अगर उनको अथॉरिटी मिली है कि वो अगर आपको नई ओ शीट दे सके तो वो आपको नई ओ शीट प्रोवाइड कर देंगे ठीक है लेकिन जो कुछ भी है एक एग्ज़ाम रूम के अंदर वो सारे करता धरता आपके इन्विजिलेटर ये तो उनको जरूर बोल देना खुद से कोई दिमाग लगाने की कोशिश मत करना कि भाई मैं ऐसे ब्लेड ब्लेड से कट कर दूं या वाइटनर लगा दूं वो बिल्कुल मत करना आप अपने इन्विजिलेटर को बोल देना वही फिर आपकी सिचुएशन संभाल लेंगे और वो सब कुछ सही कर भी देंगे ठीक है खुद से कुछ मत करना जब भी ऐसी गलती हो जाए तब एक ही रास्ता आपके पास में इन्विजिलेटर मतलब परीक्षक तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी बहुत सारे आपको जो मिथ है वो क्लियर हुए होंगे और अब आप अच्छे से एकदम 100% परसेंट एक्यूरेसी के साथ में अपनी ओ शीट फिल कर सकते हो ठीक है तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अब ये इस ये जो वीडियो ना ये प्लीज़ आप उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जिनकी एग्ज़ाम ऐसे ओ शीट में होने वाली है ताकि उनको इससे बहुत मदद मिले उनकी जो साल भर की मेहनत है ना वो बेकार ना हो थैंक यू वेरी मच